हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? मेरा नाम है राहुल शर्मा। आज हम एक फिर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए, बेसिक केमिस्ट्री के लिए। ये क्लास 9th और 10th से ही स्टार्ट हो जाता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होती हैं। ये 10th और 11th और 12th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, IIT PMT के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन प्रोसेस किसे कहते हैं, रिडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं, या ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस किसे कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेडोक्स अभिक्रिया या रेडोक्स रिएक्शंस कहा जाता है। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। और उसके जस्ट अगले वाला जो वीडियो आएगा वो आएगा रिडक्शंस का, और फिर तीसरा वीडियो आएगा ऑक्सीडेशन रिडक्शंस का, जिसे हम रेडोक्स रिएक्शंस कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये क्या होता है, हम इसको रूल के अकॉर्डिंग समझेंगे कि ये रूल फॉलो करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा उस रिएक्शंस के अंदर उस एलिमेंट का, यदि ये रूल फॉलो नहीं करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो देखो एक बार, ऑक्सीडेशन इसके अंदर पहला रूल क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंट, मतलब कोई भी जो सबस्टेंट है उसके साथ ऑक्सीजन क्या हो जाए, एडिशन हो जाए, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाता है तो वो क्या कहलाया जाएगा, जिस सबस्टेंट के साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसका क्या हो रहा है, उस सबस्टेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। इतना इतनी बात समझ आ गई दोस्तों। दूसरा क्या है, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इन रिमूव फ्रॉम रिएक्टेंट मोलिक्यूल आर टर्म्ड हैज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब वे रिएक्शंस जिनके अंदर, है ना, जिस मतलब वे रिएक्शन जिनके अंदर रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए रिएक्टेंट में से, है ना। और रिमूव होने पर जिसमें से रिमूव हो रही है, जिस एलिमेंट के साथ अटैचमेंट थी उससे क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो उसे जिससे रिमूव होगी उस एलिमेंट का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और जो ये रिएक्शंस के अंदर हो रही है तो ये रिएक्शंस क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाएगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है दोस्तों। अगला तीसरा रूल क्या है, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम एनी सबस्टेंट आर नोन हैज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, मतलब वे रिएक्शन जिनके अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, उसके साथ कोई अन्य एलिमेंट अटैचमेंट जाए जिसका क्या हो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं होना चाहिए, जो अटैचमेंट हो वो अटैचमेंट हो जाए और ये रिमूव हो जाए, तो जिससे रिमूव हो रहा है, जिस सबस्टेंट से, उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। एक रूल और है 4th नंबर पर, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं वैसे ही समझा देता हूं। कोई भी मोलिक्यूल या एटम या आयन इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रिमूव करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करता है। यदि इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दें, रिमूव कर देता है, तो रिमूव करना इलेक्ट्रॉनों का क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और क्या बनाएगा, आयनों का फॉर्मेशन करेगा, क्या करेगा, आयनों का फॉर्मेशन करेगा, मतलब पॉजिटिव आयनों का फॉर्मेशन करेगा, तो उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, यदि ये 4th रूल फॉलो करता है तो उन एलिमेंट का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और जो रिएक्शंस के अंदर होते हैं उन रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे प्रत्येक रूल को। पहला रूल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंट। तो कोई भी, देखो ध्यान से कि ये बोल रहा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एनी सबस्टेंट, तो कोई भी सबस्टेंट के साथ ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो रूल नंबर 1st का एग्जांपल देख रहे हैं, क्या है, हम क्या ले लें एग्जांपल के रूप में, मैग्नीशियम ले लें, क्या ले लें, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम तो यहाँ पे क्या हुआ, सबस्टेंट हुआ दोस्तों, क्या हुआ, मैग्नीशियम यहाँ पे सबस्टेंट हुआ, तो ये तो क्या हो गया, सबस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये सबस्टेंट हुआ। इसके साथ कौन एडिशन होगी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। जब ऑक्सीजन किसके साथ अटैचमेंट हो रही है, मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बना रहा है, MgO बना रहा है, क्या बना रहा है,
MgO बना रहा है और कितने मोलिकुल बनाएगा, 2 मोल्स बनाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन अटैचमेंट हुई, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्या हो गया, मैग्नीशियम का यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जो ये पूरी रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन, ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरा रूल देखो, रूल नंबर सेकंड क्या फॉलो कर रहा है, क्या फॉलो करेंगे, रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम एनी सब्सटेंट आर नोन हैज द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है, क्या कहलाती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है। देखना एक बार, तो ये क्या है, सॉरी तीसरा रूल था, पहले तीसरा पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेते हैं, तीसरा, ठीक है। ये कौन सा रूल है, तीसरा फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी रिपीट किया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो जाए, रिमूव हो जाए किसी भी रिएक्शन के अंदर, और किसके अकॉर्डिंग होगा, सबस्टेंट के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, KI लिया, KI का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम रिमूव करेंगे, क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, तो रिमूव कौन हो रहा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इसमें इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है, आयोडीन, क्या है, आयोडीन, ये क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, किसके द्वारा रिमूव कर रहे हैं, क्लोरीन के द्वारा, क्या कर रहे हैं, क्लोरीन के द्वारा क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो यहां पे क्या बना देगा, पोटेशियम क्लोराइड का क्या कर रहा है, यहां पे फॉर्मेशन कर रहा है, और आयोडीन यहां से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, क्या हो रही है, आयोडीन यहां से रिमूव हो रही है। तो यहां पे ये है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, रिमूव हो गया, उसकी जगह कौन अटैचमेंट हुआ, क्लोरीन। तो यहां पे पोटेशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हुआ, और ये पूरी रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, तो मतलब ये रिएक्शन कैसी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई, कौन सी रिएक्शन हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यदि इसका एक एग्जांपल और समझना चाहो तो और भी समझ लो, जैसे H2S है, ठीक है ना, H2S को रिएक्शन करवा दे हम क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, HCl का फॉर्मेशन होता है, प्लस S मतलब सल्फर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, सल्फर क्या हो जाती है, रिमूव। तो यहाँ पे सल्फर है, ये क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है दोस्तों, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट रिमूव हो रहा है, क्लोरीन यहाँ पे अटैचमेंट हो रहा है, तो ये पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक। अब आगे देखते हैं, अब सेकेंड रूल देखेंगे, सेकेंड रूल के अंदर क्या समझाया गया है, देखो सेकेंड रूल, रूल नंबर थर्ड हमने पढ़ लिया था अभी, तो सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या है, रिएक्शंस इन विच, क्या है सेकेंड रूल, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आर टर्म्ड हैज द ऑक्सीडेशन। मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोजन क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उस रिएक्शन का क्या, वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। तो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो इधर एक बार, यहां पे हम एग्जांपल ले रहे हैं H2S का, किसका, H2S का। तो यहाँ पे H2S है, उसके साथ कौन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ हम क्या करवा रहे हैं, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्ट करवा रहे हैं ऑक्सीजन के साथ H2S को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, क्या लिखा मैंने, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या हुआ, ये रिएक्टेंट हुए, इसमें से क्या हो जाए, हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, जिस रिएक्शन के अंदर हो रही है उसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे क्या है, H2 है, और यहाँ पे ये सल्फर है, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इसकी जगह कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैचमेंट हुआ और सल्फर क्या हो गया, रिमूव हो गया, क्या हो गया, सल्फर रिमूव हो गया। तो यहाँ पे जब सल्फर रिमूव हुआ, क्या हुआ, सल्फर रिमूव हुआ, तो ये जो रिएक्शंस कहलाएगी, इस रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोजन रिमूव होना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक फोर्थ रूल था जिसमें मैंने लिखा नहीं है ना, उसमें क्या बोला था मैंने कि कोई भी मोलिकूल है, एटम है या आयंस है, उसमें से क्या निकल जाए, या उसमें से
कौन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। इलेक्ट्रॉन रिमूव होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहलाती है। जिस रिएक्शंस के अंदर होती है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहा जाता है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे फोर्थ रूल का, रूल्स नंबर फोर्थ, ठीक है। जैसे हमारे पास सोडियम है, क्या है? सोडियम एलिमेंट है। इस सोडियम एलिमेंट क्या कर दे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे किसी को, तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे क्या हुआ? कोई एलिमेंट है, क्या है? एलिमेंट है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन एटम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनाया, किसका फॉर्मेशन किया? आयंस का। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे जो सोडियम है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कोई आयन ले, तो Fe+2 है ना, आयन प्लस टू आयन है। ये क्या है? आयन। क्या है ये? आयन। और ये क्या था? एलिमेंट या एटम, ठीक है। यहां से आयन क्या कर दें? एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन आयरन रिमूव करेगा तो क्या बनाएगा, या एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा आयरन किसी को, किसी सब्सटेंट को, तो यह क्या बना देगा? Fe+3 बना देगा। और वन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करेगा। यहाँ पे Fe+2+3 का क्या किया? फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो यहाँ पे आयरन Fe+2 है, उसका क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जितनी बात समझ में आ रही, क्लियर है यहाँ तक? हम आगे यदि और एक एग्जांपल देखना चाहें, जैसे कोई भी क्लोरीन ले, क्या ले लो, इधर देखते एक बार, क्लोरीन लिया, यहाँ पे क्या लिया? क्लोरीन, Cl लिया। क्या लिया? Cl। यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करे? रिमूव करे क्लोरीन, तो क्या बना देगा? Cl2 मोलिकूल बना देगा। क्या बना देगा? Cl2 मोलिकूल का फॉर्मेशन करता है। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होंगे, तो मतलब इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन का क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। और ये पूरी प्रोसेस या पूरी रिएक्शन क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। तो यही था पूरा टॉपिक। ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन का रिमूव होना, ऑक्सीजन का एडिशन होना, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना, या फिर हमारे पास तीसरा क्या था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव।